हेलो बच्चों, आज हम रैखिक प्रोग्रामन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। मीन्स इसमें जो ऊपर लिखा जाएगा वो भोज्य F1 और भोज्य F2 लिखा जाएगा। तो हम लेंगे, माना भोज्य पदार्थ में F1 भोज्य X इकाई तथा F2 भोज्य Y इकाई है। भोज्य F1 ऊपर लिख दिया, भोज्य F2 ऊपर लिख दिया। F1 X इकाई ले रहे हैं, F2 का Y इकाई ले रहे हैं। अब इसमें विटामिन ए और खनिज हैं, इसमें हमें दिए हैं कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज। न्यूनतम मात्रक हो गया इसमें 80, विटामिन ए 80 है और खनिज 100 है। न्यूनतम मात्रक खनिज का 100 है। तो ये पहले इसमें ये दे दिया है। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। भोज्य F1 की लागत ₹4, लागत यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लाभ हो या लागत हो उसको नीचे लिखा जाता है, ₹4, और F2 ₹5 है। भोज्य F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए, विटामिन ए भोज्य F1 में 3 मात्रक है और 4 मात्रक खनिज, 4 मात्रक खनिज है। और F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए, यहाँ दे दिया है 6 मात्रक और 3 मात्रक खनिज है। इसको एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे उद्देश्य फलन जेड को उद्देश्य फलन लिखा जाता है। ये 4x+5y, विटामिन ए के लिए व्यवरोध, अब विटामिन ए है इसकी लाइन जी वाली है, तो इसमें ऐसे बनाएंगे 3x+6y इस ग्रेटर देन, क्योंकि न्यूनतम वाले में ग्रेटर देन का साइन लगता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, समीकरण एक बन गई। और खनिज के लिए व्यवरोध 4x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और x और y दोनों 0 के इक्वल या 0 से बड़े होने चाहिए। अब इसका हम पहले आसमी का 3x+6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 का संगत समीकरण लेते हैं। ये हो जाएगा 3x+6y इज इक्वल टू 80। एक बार y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/3, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40/3। बिंदु आ गए 80/3 और 40/3। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब आप देख रहे हो इसमें कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें ज़्यादा जगह रखी हुई है मैंने, यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ भी छोटा सा और यहाँ भी छोटा सा। इन तीन की हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, मेन जरूरत पहले चतुर्थांश की होती है। उसमें हम एक एक के बाद डॉट लगा लेंगे, और 80/3 है मतलब ये 26 point something हो जाएगा। तो इसको हम 5-5 के अंतर से कर देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ताकि आपका ये ज़्यादा बड़ा भी ना बने ग्राफ और ज़्यादा छोटा भी ना बने। यहाँ भी ऐसे हम कर लेंगे, एक एक के बाद डॉट लगा देंगे और हम यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये सब हम लिख लेंगे। 80/3 हमारा ये बिंदु हो जाएगा, 26.3 यहाँ पे आएगा तकरीबन, और यहाँ पे 40/3 हो जाएगा 13.3 तकरीबन, यहाँ जाएगा 13, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक की हम एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे 13, ये हमने एक रेखा खींच ली। अब इसका हम छायांकित भाग देखते हैं। जी जो रकम रखेंगे इसमें तो 0 80 से बड़ा हो जाएगा, जो असत्य है, मतलब जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड नहीं होगी, दूसरी साइड में शेड होगी। इसकी शेड इस तरफ चली जाएगी। अब दूसरा हम लेते हैं असमी का 4x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100।
पहले इसका संगत समीकरण ले लेते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो, वाई को ज़ीरो रखेंगे, एक्स 25 आ जाएगा, फिर एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो वाई 100/3 आ जाएगा, बिंदु आ जाएंगे 25 0, ये 25 0 एंड 0 100/3। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये 25 0 हमारा ये बिंदु आ जाएगा, इसको लिख देते हैं 25 0 और 100/3 से करेंगे तो 33.3, ये बिंदु आ जाएगा 0 एंड 100/3। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, इस रेखा का नाम रख देंगे अब 4x+3y=100। अब इसमें शेड देखते हैं, अब इसमें देखो 0 0 अगर हम रखते हैं इस समीकरण में तो 0 > 100, जबकि 0 100 से बड़ा नहीं हो सकता, असत्य है ये, तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड नहीं होगी, दूसरी तरफ शेड होगी इसकी, इसकी शेड भी इधर जाएगी। तो ये जो ये एरिया ओपन एरिया, इस सारे में शेड होगी, और बिंदु कौन से हुए, एक तो ये बिंदु हुआ, एक ये हुआ जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक 0 100/3 हो गया, एक 80/3 0 हुआ, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालते हैं, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वाई एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी, और 24 में रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4/3 आएगी, तो बिंदु आ गया 24 एंड 4/3। इसको लिख देंगे हम 24 एंड 4/3, बिंदु का नाम रख देंगे ए बी एंड सी, क्योंकि ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, इसके बाहर बाहर शेड हो रही है, अतः सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी ओ अपरिबद्ध है, ओपन है पूरा। अब कोणीय बिंदु इसमें ए 80/3 0 है, बी 24 4/3 है, और सी 0 100/3 है। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 320/3, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 104, इसमें करेंगे तो 200। अब इसमें इन तीनों में 104 सबसे छोटा है, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो 106 आता है, ये 104 सबसे छोटा है इनमें। अब चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः जेड का निम्नतम मान 104 हो भी सकता है और नहीं भी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 4x+6y < 104 इसका परीक्षण करने पे हम देखते हैं। अब इसका परीक्षण करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम, कि इसका हम ग्राफ बनाएंगे पहले, इसको हम < 104 पे देखते हैं। अब इसमें हम इसका संगत समीकरण नहीं लेते, अब y को पहले 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 104/4 आ जाएगा, मतलब 52/2 ये आ जाएगा 26, और जब हम x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 52/3। अब ये दो बिंदु हम लेंगे 26 0 एंड 0 52/3, इन दो बिंदुओं को लेंगे अब हम, ये हमारा बिंदु हो गया 52/3 0 के साथ, और ये बिंदु हो गया 26 0, इन दोनों को हम देखते हैं मिला के, ये हमारा डैश डैश इस बिंदु से होता हुआ जाएगा। अब अगर हम इसमें शेड चेक करते हैं, 0 0 रख के देखते हैं इसमें हम, अब इसमें क्या किया, 0 0 रखा, 0 < 104 सत्य है, इसका मतलब शेड कहाँ होगी, इस तरफ होगी शेड, इधर की तरफ शेड होगी इसमें। अब तुम देख रहे हो उसकी शेड उधर थी, इसकी शेड इधर है, तो दोनों शेड्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई भी बिंदु अभिनिष्ट नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको अब हम लिखेंगे। इसका परीक्षण करने पर हम देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई भी बिंदु अभिनिष्ट नहीं है,
अतः मिश्रण की निम्नतम लागत 104 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं, मीन्स F1 और F2 पर लिखे जाएंगे। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल ये बाएं तरफ लिखेंगे हम। तो हमने उर्वरक F1 और F2 दोनों ऊपर लिख दिए, नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल हमने बाएं तरफ लिख दिए। अब हमने इसमें F1 और F2 कितना लेना है, तो इसका मान लिया किसान को उर्वरक F1 का x किलोग्राम और उर्वरक F2 का y किलोग्राम उपयोग में के लिए चाहिए। ये हमने मान लिया x ये है और y ये है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन 10% है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन 10% है तो 10/100, क्योंकि परसेंटेज को चेंज करते हैं तो 100 कर देते हैं, 10 से 0 कटी 1/10 आ गया। और फास्फोरिक अम्ल इसमें 6% है, 6/100 कटिंग करी 3/50 आ गया, ये 3/50 आ जाएगा। आगे इसमें है कि F2 में 5% नाइट्रोजन तो 5/100 ये आ गया 1/20। और 10% फास्फोरिक अम्ल, 0 से 0 कैंसिल हुआ 1/10। मिट्टी की स्थिति का परीक्षण करने के पश्चात किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन 14 किलोग्राम और फास्फोरिक अम्ल 14 किलोग्राम इनकी आवश्यकता है। मतलब ये तो जरूरी चाहिए, कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन होना चाहिए और कम से कम फास्फोरिक अम्ल ये भी 14 किलोग्राम होना चाहिए। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें हम कम से कम लेके चलते हैं। आगे हमें दिया है कि F1 की कीमत ₹6 पर केजी, तो यहाँ कीमत लिख दिया, यहाँ लिख दो पर केजी, 1 केजी के हिसाब से ये ₹6 और F2 की कीमत ₹5 है। उद्देश्य फलन जेड हो गया 6x+5y। नाइट्रोजन के व्यवरोध 1/10x+1/20y ≥ 14, मतलब कम से कम 14, उससे ज़्यादा हो सकता है। इस केस में एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाला साइन आता है। ये हमने लिख दिया x/10+y/20 ≥ 14। एलसीएम लिया, 20 को इधर ले आएंगे फिर, तो 2x+y ≥ 280। इसी तरह से दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लिया तो 2x+y ≥ 280 हो जाएगा। ये सॉरी इसी को ये भी सॉल्व कर रहे हैं हम। ये इसका संगत समीकरण लिया हमने, y को 0 रखा, x की वैल्यू 140 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 280, बिंदु हो गया 140 0 0 280। साथ साथ इसका हम छायांकित भाग भी देख लेते हैं। तो इसमें 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, तो 0 ≥ 280 हो जाएगा। ये असत्य है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका हम। अब इसमें तुम देख रहे हो कि बड़े नंबर हैं 140 280, तो हम इसको 50-50 के उस पर करेंगे। तो अब हमने इसको 50, 100, 150, 200, 250 के उस पर लिया हमने। हमें चाहिए 140, तो 140 हमारा बिंदु यहाँ पे है, कि 50, 100, 150, 140 हमारा यहाँ आएगा, 140 0 यहाँ पे, 140 0 और दूसरा 280 0 280 है, ये हमारी लाइन आ जाएगी। इसमें इस लाइन का नाम रख देंगे 2x+y ≥ 280। अब इसका छायांकित भाग हमने देखा, तो 0 0 की तरफ शेड नहीं होगी, असत्य है। इधर बाहर की तरफ शेड होगी, इसमें जिधर 0 0 नहीं है उस तरफ शेड करेंगे हम इसमें। अब दूसरी समीकरण से देखते हैं। दूसरी है 3/50x+1/10y ≥ 14। एलसीएम लेंगे तो 3x+5y और ये 50 उधर चला जाएगा, 700 बन जाएगा। इसका अब संगत समीकरण लेंगे हम, 3x+5y ≥ 700। ग्राफ बनाएंगे इसका हम। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 700/3 आएगी, x को 0 रखेंगे तो 140 आएगी, बिंदु हमारे ये दो आ जाएंगे।
अब इन बिंदुओं के हिसाब से पहले हम लाइन खींचते हैं। 700/3 का मतलब 200, 700 को 3 से भाग करोगे 233.3 आता है, तो ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा 233.3 और 0। और दूसरा बिंदु है 0 140, ये यहाँ आ जाएगा हमारा 0 140। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अब हम एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा हमने खींच दी इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई। इस रेखा का नाम है 3x + 5y = 700। अब इसका छायांकित भाग हम देखेंगे, 0 0 रखेंगे हम इसमें, तो 0 < 700 हो जाएगा, जो असत्य है, मतलब इसका भी बाहर की तरफ शेड होगा तो वो ओपन एरिया हो गया। इसका मतलब समझो यहाँ से ओपन एरिया सारा हो गया। ओपन एरिया में अब कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो ये हो गया हमारा, एक दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है और एक ये बिंदु है 0 280। एक बिंदु है 700/3, इसका नाम ए रख देंगे। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु अभी हम निकालेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु एक्स हो आ जाएगा और एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वाई 80 हो जाएगा, बिंदु आ जाएगा 180। ये आ गया बिंदु 180। और फिर ये x > 0, y > 0 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब इन तीन बिंदुओं पर, हम अधिक न्यूनतम लागत, हमें न्यूनतम लागत निकालनी है वो निकालेंगे। और फिर जो भी अपरिबद्ध क्षेत्र होता है, अनबाउंडेड एरिया होता है, उसमें हमें वो भी चेक करना होता है। उसमें एक लाइन जरूर ऐसे डैश डैश में आती है, वो अगर नहीं बनाओगे आपके 2 नंबर एग्जाम्स में ऐसे कट जाएंगे। सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी ओ अपरिबद्ध है, इसके कोणीय बिंदु ए बी सी हैं, जेड है 6x + 5y, वैल्यूज पुट करो एक्स की वाई के, ये 1400 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये 1400 आ जाएगा, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो न्यूनतम मान क्या है 1000। अब क्या लिखेंगे हम इसके बाद कि चूँकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः जेड का न्यूनतम मान 1000 हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हम इस पर चेक करेंगे 6x + 5y < 1000, इस पे चेक करते हैं हम 6x + 5y < 1000। अब इस पे हम इसकी हम ग्राफ बनाएंगे, इसका वाई को 0 रखो, एक्स की वैल्यू 500/3 आ जाएगी, फिर एक्स को 0 रखोगे वाई की वैल्यू 200 आ जाएगी, बिंदु हो जाएगा 500/3 और 0 और 0 200। साथ साथ छायांकित भाग भी देख लेते हैं और उसके बाद एक बार बनाते हैं इसका ग्राफ। तो छायांकित भाग के हम 0 0 रखेंगे तो 0 < 1000 सत्य हो जाएगा, मतलब जिस तरफ 0 0 होगा शेर उस तरफ होगी। तो बनाते हैं इसका ग्राफ अब हम, 500/3 166, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा 500/3 166 यहाँ पे आएगा क्योंकि साथ में 0 है। अब मैं इसको मैं पेन से शो कर रही हूँ, और 0 200 ये बिंदु है, 0 200 इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को अब पेन से शो करेंगे। इस लाइन को आप देख रहे हो इसमें, और इसकी शेड 0 0 की तरफ होगी, ये भी मैं पेन से शो कर रही हूँ। तो पहले का जो सुसंगत क्षेत्र है और अब जो हम देख रहे हैं, इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसकी शेड इधर है, उसकी शेड उधर है, सिर्फ एक बिंदु कॉमन है, सिर्फ ये वाला। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि 6x + 5y < 1000 में तथा सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु भिनिष्ठ नहीं है, अतः उर्वरक F1 के 100 किलोग्राम जो कि न्यूनतम 1000 ये था हमारा पास, 1000 इसके सामने 100 kg है और 80 kg F2। उर्वरक F1 के 100 kg तथा उर्वरक F2 के 80 kg का उपयोग करने के लिए न्यूनतम लागत ₹1000 होगी। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11वां,
निम्नलिखित असमीकरण निकाय, ये मैं तीन दो समीकरण दी हुई हैं, टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक्स प्लस 3 वाई लेस देन इक्वल टू 15, एक्स वाई 0 से बड़ा है, से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र कोणीय बिंदुओं में दिए हुए हैं 0, 0, 5, 0, 3, 4 एंड 0, 5। माना कि जेड इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है, जहाँ पी क्यू 0 से बड़े हैं। पी क्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि जेड का अधिकतम मान 3, 4 और 0, 0, 0, 5 पर दोनों पर घटित होता हो, मतलब दो अधिकतम मान इसके दो हैं, इन दोनों पर अब हम निकालेंगे। तो पहले तो हमने नोट कर लिया ये क्वेश्चन जो हमने बुक में दिया हुआ है कि कोणीय बिंदु ये हैं, मानसिक जेड माना कि जेड माना कि जेड पी एक्स प्लस क्यू है और जेड का अधिकतम मान 3, 4 और 0, 5 पर अधिकतम है। तो अब देखो जब 3, 4 इस पर 3, 4 पर जेड का मान क्या होगा 3p प्लस 4q, क्योंकि एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, तो जेड में एक्स की जगह 3 रख दिया, वाई की जगह 4 रख दिया, तो 3p प्लस 4q हो गया। और 0, 5 पर क्या है जेड का मान 0p प्लस 5q, तो ये तो 0 तो हट जाएगा, 5q बचेगा 5q। अब दोनों पर मान अधिकतम है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं जेड, तो चूंकि दोनों पर अधिकतम मान है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे 4q को उधर लेके जाएंगे, 5q माइनस 4q इज इक्वल टू 3p, क्यू की वैल्यू आ गई 3p, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ओके, थैंक यू।